अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होगी। आज हम जा रहे हैं जबल उमर पहाड़ी और पैदल ट्रैक है और वो देखें सामने पहाड़ी है, जूमिंग होता हुआ कहाँ अब वहाँ जाने और वीडियो आपके साथ शेयर करते आपा, लेकिन काफ़ी सफ़र है वो सामने जाने हमें। अब देखते हैं सफ़र कितना होता है क्योंकि टाइम लेट है, तो देखते हैं जितना सफ़र होता है आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। व्यू चेक करना, ये देखो ये सामने पहाड़ी है और यहाँ हमने जाना है। अब पहाड़ी भी थोड़ी करीब है, बस जा रहे हैं आगे, सफ़र चल रहा है और देखें कैसा व्यू आते हैं और कितना सफ़र कर पाते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखो गाइस पहाड़ी करीब हो गई है और बस यहाँ से भी चढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये पहुँच गए हम पहाड़ी के पास, ये सामने पहाड़ी है और यहाँ से पहाड़ी कैसा बहुत शुरू है। ये तो अभी सारी झाड़ियाँ वगैरह ऊपर जाके सही पता लगेगा। यार अभी से ही थक गए, इतना सफ़र किया घर से यहाँ तक। मेरा सफ़र शुरू करते हुए थक गए क्योंकि घर से यहाँ तक काफ़ी पैदल सफ़र था। ये देखो अभी शुरुआत है, ये हालत है हमारा, थक के बैठ गए क्योंकि घर से हमने यहाँ तक सफ़र बहुत किया, फिर यहाँ से मज़ीद आगे। तो ये शुरू वाली चढ़ाई बहुत गंदी थी, लेकिन व्यू चेक करो आप, व्यू कितना प्यारा है। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद सांस लिया, थोड़ा सांस लेने के बाद दोबारा सफ़र शुरू और कोशिश हमारी वो है वो सामने तक जाएं। कोशिश हमारी यही है कि वहाँ तक किसी तरीके से पहुँच जाएँ क्योंकि टाइम बड़ा लेट है, तो देखते हैं भी कहाँ तक जाते हैं। यार सफ़र तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम थक बहुत रहे हैं। हमने यहाँ लोकल बंदे से पूछा तो बोल रहे ये ट्रैक बहुत हार्ड है, आप यहाँ से जाएं, ये फिर भी आसान है। तो इसी पे हम फिर रवाना। और यहाँ से नीचे का व्यू देखें, अभी तो थोड़ी सी हाइट पे, फुल हाइट पे जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े का व्यू होगा। व्यू चेक करो, पसीना पसीना हो गए। अभी तो थोड़ा सा ही ट्रैक क्रॉस किए तो हालत ख़राब हो गई है, अभी तो मज़ीद हमने और ऊपर जाने, लेकिन यहाँ स्टे करते हैं क्योंकि सांस बहुत चढ़ी है, तो इसलिए भी थोड़ी देर स्टे करते हैं। लेकिन स्टे भी देखो किसी जगह पे हो रहा है।
अच्छा तो शुएब भाई आज की लोकेशन ये थी। आज का लोकेशन यही सब ठीक है, जगह तो बहुत है लेकिन टाइम जो है ये जगह वो ऊपर तक वो पहाड़ी है लेकिन टाइम शॉर्ट है इस वजह से वापसी। इंशाल्लाह अभी वापसी करेंगे 10 मिनट इधर और भी स्टे करेंगे। ये देखो शुएब भाई ने अपना फुल निज़ाम बनाया हुआ है, स्पीकर, पावर बैंक, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह आते के साथ पानी की बोतल पिए क्योंकि बहुत थक गए थे। बहुत सफ़र था, हम पहली दफ़ा ही नहीं आए इतनी पहाड़ी पे तो हमें कोई आइडिया नहीं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे ऊपर तक जाएंगे। तो शुएब भाई क्या करें, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर निकलें। बाकी लोकेशन तो वाकई बहुत मज़े की है। उमर भाई आप क्या बोलते हो, कौन सी जगह? अच्छा जी, तो कल परसों उमर भाई बोल रहे थे वहाँ जाना है दो तीन दिन बाद। शलमास पी लेना, ये सामने वाली जो पहाड़ी है ऊपर कोई मज़ार भी है ना, ये जूम करके दिखा रहा हूँ उसका, हमने ऊपर मज़ार है दरख्तों के साथ। और ये सारा अंगू का नीचे का व्यू आबादी देखो, ये सारा अंगू नीचे पड़ा हुआ है। चलो बस थोड़ी देर और बैठते हैं, हवा बहुत प्यारी चल रही है और जगह वाकई बहुत प्यारी थी। तो बस यहाँ थोड़ी देर स्टे किए रहा और अंधेरा भी होने वाला है और सफ़र देखो अभी यहाँ से हम उतरेंगे वो वहाँ से उतर के फिर हमने वो नीचे जाने फिर खेतों से होते हुए फिर हमने उस साइड पे निकलना है। तकरीबन एक डेढ़ घंटा भी हमें लगेगा अभी, क्यों अभी तो उतराई है अभी तो मैक्सिमम इतना टाइम नहीं लगेगा, उतरते हुए इतना टाइम नहीं निकलेगा लेकिन चढ़ते हुए काफ़ी टाइम लगे। तो बस यहाँ तक आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ।